हाँ भाई बात भाई मीन लगन की। अरे भाई मीन लगन के लोग, क्या बात है। मीन लगन के लोग, दो साइन, दो मछलियां, एक की तरफ, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, ऐसे दो मछलियों का साइन होता है। वो कहाँ रहती हैं? पानी में। वो क्या करती हैं? हमेशा खेलती रहती हैं। क्या करती हैं? हमेशा खेलती रहती हैं वो दो मछलियां। और क्या क्या करती हैं? कहाँ रहती हैं? पानी में। कौन से पानी में? नमक वाले पानी। तो वो उसको क्या स्मेल आती है, इसलिए जो मीन लगन के लोग होते हैं पसीने की स्मेल आती है, बहुत पसीना आता है उनको, माथे पे बहुत पसीना आता है। मछली क्या करती है? अगर पानी को हम हाथ लगाएं तो मछली क्या करती है? भाग जाती है। डरपोक होते बहुत ज़्यादा, ये भी दिल बहुत कम होता है इनका। और ये मतकुंभ लग, जैसे कि मीन लगन के लोग बहुत डरपोक होते हैं और माथे पे पसीना बहुत आता है और पसीने की स्मेल बहुत आती है, नमक वाला पसीना होता है इनका। अगर चांदी पहन ले तो काली हो जाती है, निशानी होती है, निशानी बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा तो मीन लगन के लोग क्या करते हैं? अरे भाई दिखने में डरपोक होते हैं और भोले होते हैं, प्यारे। मछली दिखने में कितनी सुंदर लगती है, क्या बात है, लेकिन डरपोक होती है। और मछली का क्या काम होता है, करती क्या है? ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग व्यापार में अव्वल करते हैं, व्यापार बहुत बढ़िया करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का व्यापार अगर अप डाउन रहता है, वो क्यों? क्योंकि जो 10 नंबर राशि होती है, वो 10 नंबर के ऊपर जो राशि है वो होती है धनु राशि। धनु राशि क्या होती है? द्वेष भाव राशि। द्वेष, अगर राशियों के ब्रीकी में जाऊँ तो बहुत, देखिए अब देखिए बहुत ध्यान से, इनके पास पैसा कभी नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि धन के भाव में 4 राशि आ गई। देखिए बहन भाइयों के घर में स्थिर राशि, बहन भाई बहुत अच्छे होते हैं, और माँ के घर में कौन सी राशि आ गई? मिथुन राशि, 3 नंबर राशि आ गई। और माँ कौन सी होती है? दिमाग वाली, बिजनेस वाली माँ होती है। मीन लगन के लोगों की बात बताता हूँ, ऐसे तो बहुत ब्रीकी में अगर मैं मीन लगन की बात करूँ तो पूरा का पूरा एपिसोड ही हो जाए। इसलिए आज मैंने आपको ये बताया कि जो लग्नों का प्रभाव नेचर इंसान की कैसे होती है, ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैं बताता रहूँगा आपको साइंटिफिक रीजन से। बहुत आसान है इंसान की नेचर को जानना, यही आसानी मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला, क्योंकि मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन जितना जानता हूँ उतना देने की कोशिश करूँगा आपको।